सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम निकल चुके हैं अजमेर से मॉर्निंग के अंदर। अजमेर से मॉर्निंग 6 बजे निकल चुके थे। अभी हम जयपुर से पहले एक जगह रुके थे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं देहरादून के लिए। उसके लिए हम सबसे पहले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से पहले से रिंग रोड लेके हम देहरादून के लिए निकलेंगे। तो चलो चलते हैं। अभी हम जयपुर पास कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी में यहाँ आपको इंडियन गाय दिख रही होगी, कितने लंबे लंबे सींग होते हैं इनके। तो अब हम मानेसर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और दिल्ली वाला रूट आ चुका है। देन हम यहाँ से मानेसर के बाद दिल्ली का रिंग रोड पकड़ेंगे। तो अब हम दिल्ली के रिंग रोड पर चढ़ चुके हैं। ये पूरे दिल्ली के चारों ओर रिंग की तरह एक पूरा 6-लेन हाईवे बनाया गया है, जिसकी लेंथ लमसम 300 किलोमीटर समथिंग है। तो इससे आप बार बार दिल्ली से निकल सकते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी ख़राब नहीं हो। तो हम यहाँ से चल रहे हैं। उसके लिए हम फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद देहरादून के लिए एक रास्ता कटेगा, वहाँ से उतर जाएंगे नीचे। काफ़ी अच्छा है, इसकी मिनिमम स्पीड 80 और मैक्सिमम 120 है कार की, तो आप काफ़ी जल्दी यहाँ से टाइम कवर कर सकते हैं। तो अब हमने वो रिंग दिल्ली वाला रिंग रोड छोड़ चुके हैं। अब हम देहरादून वाले हाईवे पे आ चुके हैं। ये 4-लेन हाईवे है जो शामली होते हुए देहरादून जाएगा। देन इसके बाद हम अंबाला वाला 6-लेन हाईवे वापस पकड़ लेंगे। सो अब हम देहरादून अंबाला हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। अब ऑलमोस्ट 3 बज चुकी है। तो अब हम यहाँ से देहरादून में भी 50-80 किलोमीटर और रिमेनिंग रह चुका है। उससे पहले अब हम चाय पीने के लिए रुकते हैं, कोई अच्छी सी जगह देखते हैं। तो यहाँ अब हम चाय पीने के लिए रुक चुके हैं। तो यहाँ चाय पियेंगे, देन वापस निकलेंगे हम यहाँ से। सो अब हम यहाँ से वापस निकल चुके हैं चाय पी के। यहाँ से जो देहरादून है वो लमसम 50 किलोमीटर रिमेनिंग रह चुका है। 20 किलोमीटर बाद यहाँ से देहरादून की घाटियाँ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो देहरादून है वो थोड़ी हाइट के ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम देहरादून की घाटियों में आ चुके हैं। यहाँ से धीरे धीरे घाटियाँ स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ की जो घाटियाँ वो ना ज़्यादा खड़ी है ना ज़्यादा प्लेन है। यहाँ की रोड काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ से, बट ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। ऊपर की तरफ एक टनल मिलेगी हमारे को, वो टनल पार करते ही देहरादून आ जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि हम टनल तक पहुँच चुके हैं। ये टनल पार करते ही सामने की ओर हमारे को देहरादून दिखेगा। देन हम कल मॉर्निंग के अंदर देहरादून से निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। तो चलो चलते हैं वहाँ, देखते हैं कोई होटल। तो अब हम देहरादून पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने ये रेस्टोरेंट लिया, जिसके अंदर रूम्स भी अवेलेबल है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम चलेंगे देहरादून से यमुनोत्री के लिए, जिसकी डिस्टेंस लमसम 180 किलोमीटर है। तो हमको दिन में 3 बजे तक पहुँचना है वहाँ पर। तो अब हम होटल से निकल चुके हैं, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। हमारे को जल्दी इसलिए पहुंचना है क्योंकि आज हमारे को वहाँ पर ट्रैकिंग भी करनी है। तब हम देहरादून से थोड़ा बाहर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। काफ़ी अच्छे पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ। एक तरह से हम एक फॉरेस्ट के बीच में से निकल रहे हैं। 10-20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हमारे को घाटियों पर चढ़ना स्टार्ट होना है वैसे ही। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। ऊपर का भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं कह रहा था कि हमारे को यमुनोत्री दिन में 3 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग भी करनी है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे घाटियाँ स्टार्ट हो चुकी है। ट्रैकिंग वहाँ 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, इसलिए हमारे को जानकी चट्टी तक ही गाड़ी जाती है, यमुनोत्री तक गाड़ी जाती नहीं है। तो हम चलते हैं जानकी चट्टी के लिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। धीरे धीरे पहाड़ दिखने लगे हैं, और धीरे धीरे अब हम और हाइट पर आने लगे हैं। यहाँ पे कहीं कहीं जगह कंस्ट्रक्शन वर्क भी चलता है, इसलिए गाड़ी आपको यहाँ से धीरे निकालोगे तो बेस्ट रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से रोड यहाँ पे बनाई गई है। कहीं कहीं पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ बिल्कुल मेन मेड तरीके से रेलिंग्स लगा के सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है, बट कुछ कुछ जगह बारिश की वजह से यहाँ पर रोड कट जाता है। तो यहाँ पे काम चलते रहते हैं रेगुलर, तो आपको धीरे से निकालनी है ऐसे गाड़ी। अब थोड़ा और ऊपर चलने के बाद हमारे को काफ़ी अच्छी रोड मिली है यहाँ पे 2-लेन। तो यहाँ पे आप जितना टाइम कवर कर सके कर सकते हैं, और नीचे का एक बार व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यमुनोत्री नदी जा रही है। और यहाँ पर नदी के ऊपर से कहीं कहीं जगह यहाँ पर ब्रिज भी बनाए गए हैं, तो
तो ब्रिज पे से काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे निकलने में। और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर से बिल्कुल नेचुरल झरने भी रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नदी के ऊपर से एक टेम्परेरी ब्रिज बना रखा है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो मेन ब्रिज है उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे यमुनोत्री नदी कितनी अच्छी तरीके से यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ से थोड़ा और ऊपर चलने के बाद हमारे को यहाँ एक चाय की दुकान मिली है, तो यहाँ पे हम चाय पीते हैं। यहाँ से देखते हैं कि कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ का। तो यहाँ पे गाड़ी आपको साइड में पार्क करनी, क्योंकि सामने की तरफ से जो गाड़ी आती है वो काफ़ी तेज़ स्पीड में आती है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे चाय पी है हमने, तो अब हम वापस निकल चुके हैं ऊपर की ओर। लमसम हमने आधे से ज़्यादा रास्ता ट्रेवल कर लिया है। अब हम बारकोट एक जगह है जहाँ पर हरिद्वार से भी आने वाला रास्ता और देहरादून से भी आने वाला रास्ता मिलता है, जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों को रास्ते कटते हैं। तो हमारे को आज यमुनोत्री जाना है, जिसके लिए हम पहले जानकी चट्टी चलेंगे। तो चलो चलते हैं यमुनोत्री के लिए। तो अब हमने बरकोट पार कर लिया है। बरकोट से यहाँ से जो यमुनोत्री की डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। यहाँ से 4 लेन का काम चल रहा है रोड का, बट ये कुछ डिस्टेंस तक ही 4 लेन बनी हुई है, देन इसके बाद रास्ता ख़राब है। यहाँ से डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है, बट फिर भी 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर की जो चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी है। वहाँ पर रोड बहुत छोटा है, कहीं कहीं रोड भी नहीं बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से है, ताकि आने वाली जो पब्लिक है उनको किसी भी तरीके की दुविधा ना हो। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं गाड़ी के निकलने के लिए। और ब्रिज पर से कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ पर। ब्रिज होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि न्यू ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ताकि एक साथ दो दो गाड़ियां निकल सके। इसलिए यहां से हमारे को नीचे से आना पड़ता है, जहां पे थोड़ा रोड ख़राब है, इसलिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे वहां को गाड़ी चढ़ानी पड़ती है। थोड़ा आगे चलने के बाद यहां पे रोड छोटा होने की वजह से जाम लग चुका है। तो देखते हैं किस तरह का रोड है, काफ़ी पतला और छोटा रोड है, पर यह सिर्फ कहीं कहीं जगह हैं। जनरली तो हमारे को बिल्कुल सही रोड मिला था। तो अब हम चलते हैं जानकी चट्टी के लिए। चट्टी मतलब यहाँ पे एक हाइट के ऊपर अलग अलग नाम दे रखे, जैसे सबसे पहले सियाना चट्टी आती है, देन राणा चट्टी आती है, फिर हमारी जानकी चट्टी आती है। जानकी चट्टी से मैंने बताया था कि आपको 6 किलोमीटर का हमारा ट्रैक है यमुनोत्री के लिए। तो वहाँ पे ऊपर यमुनोत्री मंदिर भी है, और उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हम ग्लेशियर है जहाँ से यमुनोत्री नदी निकलती है। तो थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पे चेक पोस्ट है, कि हमारे को पहले रजिस्ट्रेशन दिखाना है कि हमारी जो चार धाम वाली यात्रा है उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं करा रखा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे, वापस भेज देंगे। इसलिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन था, तो हमारे को अलाउ करके ऊपर जाने दिया गया है। तो चलो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, और आप लोगों को रास्ते का व्यू दिखाते हैं कि किस तरीके से सारी चट्टी हमारे को रास्ते में पड़ेगी। और हम मिलते हैं आपसे सीधे जानकी चट्टी के पास। तो यहाँ से हमारी सारी चट्टी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले ये हम आ चुके हैं सियाना चट्टी के पास। इससे थोड़ी और हाइट पर चलेंगे तो हमारी राणा चट्टी आएगी। 3-4 तरह की और चट्टी है। तो अब हम चलते हैं और ऊपर की ओर। आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। कहीं कहीं जगह इस तरीके से रोड नहीं बनी हुई है और चढ़ाई भी काफ़ी खड़ी है। वो पहली बार हमारे को रोड पर मिट्टी मिली है, तो यहाँ पे ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले से ही गाड़ी को थोड़ी स्पीड में लेकर आए, ताकि बीच में आपकी गाड़ी रुके नहीं। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, इसलिए पहले एक चाय पी लेते हैं। तो हमारे को ये जगह मिल चुकी है। आप यहाँ से साउंड भी सुन सकते हैं किस तरीके से पानी का साउंड आ रहा है झरने का, जो ऊपर माउंटेन से आ रहे हैं। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं जानकी चट्टी। तो अब हम पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी। ये ब्रिज पार करते हैं, हमारे को जानकी चट्टी मिलेगी जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं। और हम आपसे मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसमें हम जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक चलेंगे। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।
जय हिंद।